हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम लोग क्लास। आज हम एशिया का मैप का राजनीतिक परिचय पढ़ेंगे और एशिया में स्थित देश और उसकी राजधानी के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया का अध्ययन हम हमेशा भारत के सापेक्ष में करते हैं। देख रहे फ्रेंड, ये भारत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप सभी जानते हैं। अब भारत का करेंसी यानी मुद्रा रुपया है। भारत का पश्चिम साइड में पाकिस्तान है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ देख लीजिए इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान का मुद्रा अफगानी है। फिर भारत के उत्तर साइड में हम चलते हैं तो भारत के उत्तर में चीन स्थित है। ये चीन, ये पीला कलर का जो देश नज़र आ रहा है ये चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ देखिए, ये बीजिंग है और चीन का मुद्रा युआन है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन को रेन बिब्बी भी कहते हैं। यानी चीन की दो मुद्राएं कह सकते हैं आप, युआन और रेन बिब्बी। जिस तरह भारत में रुपया और पैसा बोला जाता है, उसी तरह चीन में युआन और रेन बिब्बी बोला जाता है। भारत के ऊपर देखिए, एक नेपाल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। भूटान भारत के उत्तर में ही पड़ता है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुलतरम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नगुलतरम है। भारत के पूर्व में देखिए, म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी नैपिदा है। नैपिदा और मुद्रा कयात है। म्यांमार की राजधानी नैपिदा और मुद्रा कयात। यह है बांग्लादेश, भारत में बिल्कुल घुसा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। भारत के नीचे देखिए, लटका हुआ एक देश है, श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनेपुरा है। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनेपुरा है। मुद्रा रुपया है। भारत के नीचे लक्षद्वीप के दक्षिण में, हिंद महासागर में, ये जो आपको हिंद महासागर नज़र आ रहा है, इसी में एक देश है मालदीव। ये मालदीव देश है। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है, रुपिया। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपया। ये श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ बगल में हिंद महासागर में देखिए, एक सेशेल्स देश है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। म्यांमार के बगल में देखिए, थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बहत है। थाईलैंड के ऊपर लाओस है। लाओस की राजधानी बियंटियन है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जो भू अवध देश है। लाओस। वियतनाम, ये लंबा सा एक देश नज़र आ रहा है, ये वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ ये देख रहे हैं, इस तरह ये मलेशिया है। ये पूरा देश मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा रिंगित है। यानी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगित। मलेशिया के नीचे एक सिंगापुर देश है। सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर है और सिंगापुर का मुद्रा डॉलर है। इसको नहीं, एक इंडोनेशिया, ये द्वीपीय देश है। देखिए, बहुत बड़ा द्वीपीय देश है, सब द्वीपों का एक समूह है। इंडोनेशिया देश है जो द्वीपों का एक समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया को ही कहा जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता जो इंडोनेशिया के एक दिन जावा में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया में भी रुपया सरता है। इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया है।
इंडोनेशिया के ही बगल में देख लीजिए, ये टिमोर लेस्टे देश है, इंडोनेशिया के दक्षिण में टिमोर लेस्टे देश है, इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल से दिल्ली। इंडोनेशिया के ऊपर में फिलीपींस है, फिलीपींस, फिलीपींस द्वीपीय देश है, ये देख रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और फिलीपींस में पीसो मुद्रा चलती है, मुद्रा पीसो, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पीसो। ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे और मुद्रा डॉलर है, ताइवान की राजधानी ताइपे और मुद्रा डॉलर है। फ्रेंच देश है, इसकी राजधानी और मुद्रा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये बीपीएससी, बिहार एसएससी, इस तरह के रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम में इस राजधानी और मुद्रा से संबंधित सवाल आते रहते हैं। ये देख रहे हैं, ये प्रायद्वीप, इसे कोरियाई प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें दो देश हैं, उत्तर में है उत्तरी कोरिया, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और दक्षिणी कोरिया की राजधानी, ये देखिए दक्षिणी कोरिया है, इसकी राजधानी सियोल है, यानी उत्तरी कोरिया कोरिया प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया सियोल, ये दोनों देश का मुद्रा बॉन है। तो उत्तरी कोरिया प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया सियोल, और दोनों देश की मुद्रा बॉन है। ये जापान नज़र आ रहा है आपको, प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है, 2001 अभी यही ओलंपिक चल रहा है, 2021 का ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में ही है, टोक्यो ओलंपिक में ही आज हो रहा है, और जापान के मुद्रा येन है। अब सबसे ऊपर ये बड़ा सा देश देख रहे हैं, ये रूस है, रूस, रूस का राजधानी मॉस्को है, रूस का राजधानी मॉस्को है, और रूस का मुद्रा रूबल है। इसके बाद हमें सेंट्रल एशिया का ये पांच देश है जो रूस से ही अलग होकर बना है, एक कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, इसका राजधानी नूर सुल्तान है, ये ध्यान दीजिएगा, कजाकिस्तान की पहले राजधानी अस्ताना हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। यहाँ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ये किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड, बिश्केक, इसी के बगल में ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, ये देश है जो ताजिकिस्तान है, इसकी राजधानी दुशांबे है। यहाँ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ताशकंद समझौता तो आप सब जानते ही हैं, यही लाल बहादुर शास्त्री जी का हत्या से मृत्यु हुआ था, ये उज्बेकिस्तान है, इसकी राजधानी ताशकंद है। ये तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान के बगल में ये देख लीजिए ईरान है, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, और ईरान का मुद्रा रियाल है। ईरान के बगल में देखिए इराक है, इराक, इराक की राजधानी बगदाद है, इराक का मुद्रा दिनार है, यानी इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा दिनार। फिर यही ईरान के सामने ही देखिए ये सऊदी अरब है, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और सऊदी अरब का मुद्रा रियाल है। ये देखिए यहाँ सऊदी अरब, ईरान, दोनों का मुद्रा रियाल है, सऊदी अरब और ईरान का मुद्रा रियाल है, सऊदी अरब और ईरान का मुद्रा रियाल है, यहाँ भी रियाल, यहाँ भी रियाल। यमन, सऊदी अरब के नीचे यमन है, यमन की राजधानी साना। ओमान, ओमान की राजधानी मस्कत, यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कत। ओमान के ऊपर पीला कलर का एक देश नज़र आ रहा है, यह है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी आबू धाबी है, आबू धाबी।
यहाँ ऊपर देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर कतर है, कतर की राजधानी दोहा है, कतर, ये कतर की राजधानी दोहा है, दोहा। कतर के ऊपर बहरीन है, बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा है, बहरीन की राजधानी मनामा। अब बहरीन के ऊपर ये फारस की खाड़ी है, इसमें है कुवैत, ये छोटा सा ग्रीन कलर का देश नज़र आ रहा है, कुवैत है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, कुवैत का कुवैत सिटी। अब यहाँ ऊपर देख रहे हैं फ्रेंड, ये तुर्की है, तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की एक देश है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, और तुर्की का मुद्रा लीरा है, लीरा। तुर्की के नीचे सीरिया है, सीरिया की राजधानी दमस्कस है, थीरिया, सीरिया, दमस्कस। सीरिया के नीचे जॉर्जन है, जॉर्जन की राजधानी अम्मान है, जॉर्जन, अम्मान। जॉर्जन के बगल में इजराइल है, इजराइल का राजधानी जेरूसलम है, इजराइल का राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम को अमेरिका राजधानी मानता है, लेकिन भारत इजराइल की राजधानी तेल अबीब को मानता है। तो जब भी सवाल में आए तो अगर तेल अबीब लिखा रहे तो आपको उसको पहले प्रीफ्रेंस में देना है, क्योंकि भारत इजराइल की राजधानी तेल अबीब को मानता है, जबकि अमेरिका जेरूसलम को मानता है। इसका ऊपर यहाँ देखिए एक लेबनान देश है, लेबनान, लेबनान, इसकी राजधानी बेरूत है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये भूमध्य सागर में एक देश है साइप्रस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। तो ये था फ्रेंड एशिया महाद्वीप में स्थित देश की राजधानी और कुछ महत्वपूर्ण देशों के मुद्रा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।